मैंने ये मंगाया है फ्लिपकार्ट से मोबाइल स्टैंड, जो कि मैं अभी अभी इसे अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को खोल करके दिखाता हूं कि इसका मोबाइल स्टैंड कैसा है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं यहां पे एक कटर ले लेता हूं जिसकी मदद से मैं इसे काटूंगा और काट करके हम इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो हमारा सील पैक है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो फाइनली गाइज हमें बॉक्स हटाने के बाद ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जो कि ये हमारा स्टैंड है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका सारा प्रोसेस हम लोग को इसमें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैं आपके सामने इसे सिंपली ओपन करता हूँ कुछ इस तरीके का। तो इसमें सबसे पहले एक निकलता है मोबाइल होल्डर, जिसको हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक कुछ कप टाइप निकलता है, पता नहीं इसका क्या यूज़ होगा, मैं यहाँ रखता हूँ। फिर यहाँ पे निकलता है एक स्टैंड, इसको यहाँ साइड में करते हैं। फिर एक लास्ट निकलता है, इतना थोड़ा सा वेटेड है ये भारी, इसके अंदर कुछ है ऐसा लग रहा है, कुछ भारी सा इसके अंदर रख दिया जिसको ये मोबाइल होल्ड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी हम रखते हैं यहाँ पे साइड में। अब हमारे पास अंदर में एक और चीज़ निकलता है, जो है कुछ इस तरीके का, पता नहीं छोटा छोटा चीज़ें हैं कि ये एक अलग हो गया और ये एक अलग से है। ठीक है, इसे यहाँ रहते हैं, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए हम इसे यहाँ से, इसमें कोई मैनुअल वगैरह भी नहीं है जो कि आप इसे देख करके कर सको, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये बता रहा है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टैंड में लगाना है, फिर यहाँ पे एक एक करके हम इसे सेट करते हैं। चलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसमें देख कर सेट करूँगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसे रखते हैं और हम लोग करते हैं इसको सेटअप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक इसको लेना है, इसको ले करके मैं इसको सिंपली सामने यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। ठीक है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा बट मैं यहाँ पे इसको रख दिया हूँ। और उसके बाद मैंने एक इसे लेता हूँ, इसे लेने के बाद, सॉरी ये तो छोटा हो गया, इसे लेना है। ठीक है, इसको लेने के बाद मैं इसके अंदर ऐसे टाइट करता हूँ, टाइट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस छोटे वाले कैप को हम इसमें लगा देंगे, देख सकते हो हमने इसमें ऐसा फिक्स कर दिया। तो इसको इसमें फिक्स करने के बाद हमें ये छोटा वाला जो स्टैंड है इसे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके का है, तो शायद हमें ऐसे नहीं इसको खोलना होगा, खोलकर हमें इसके अंदर से ये क्या हुआ, ये तो डायरेक्टली पार हो गया। तो हमें इसको देखना होगा अच्छे से कि मैं इसे कैसे लगाऊं। तो हमें क्या करना होगा, एक काम करते हैं, अब ये लगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बट हो जाता है काम इजीली, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। देख सकते हो ये नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया इस तरीके का। अब हमें क्या करना है, ये इसको हमें यहाँ टॉप पे लगाना है, ये देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ, ये रहा, हम लोग इसके ऊपर टॉप पे लगाएंगे। तो इसके लिए हमें इसे टाइट करना होगा इसको भी। तो गाइस मैंने सब कुछ यहाँ पे सेट कर दिया है, बट ये भी सिलेक्ट हो गया है और ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, जो कि आपका यहाँ पे डैमेज है बिल्कुल, ये बिल्कुल कनेक्शन नहीं ले रहा है इसका। इसके बाद कनेक्शन लेने के बाद हम लोग यहाँ के इसके ऊपर एक मोबाइल फ़ोन को इस तरीके से अटैच करना होता है। तो सपोज़ आप इस तरीके से मोबाइल फ़ोन को अटैच कर सकते थे, अटैच करके आप इसका यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये आप लोग देख सकते हो डिफेक्टिव है, अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरा फ़ोन गिर जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा हमारा होना चाहिए था। चलिए मैं एक बार इसका ओवरव्यू आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अच्छा है यूज़ करने के लिए सस्ते दामों में, वही आपको पड़ेगा 180 रुपीज़। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप इसे कैसे बाय कर सकते हो। बट ये हमारा थोड़ा सा डैमेज प्रोडक्ट है, अगर आप लोग ऑर्डर करते हो तो मे भी आपका थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा। तो मैं इसे रिफंड के लिए कर देता हूँ उसको अप्लाई, कि ये मेरा रिटर्न हो जाए और मेरा पैसा जो था वो मुझे रिटर्न आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट और कैसी लगी वीडियो।